अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। जी तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ बेबी हेयर कट शेयर करने वाली हूँ, और वो भी बहुत ही इजी वे में। अक्सर जो है वो बच्चों का बेबी हेयर कट किया जाता है, जिसमें कि आगे से उनके बाल बेबी कटिंग में काट दिए जाते हैं। तो बाद में ये ऐसा चाहती हैं कि उनके बच्चों के बाल शॉर्ट ना हों, मतलब वो कोनी में भी आते रहें, तो इस लिहाज से ये कटिंग बेस्ट है। तो यहाँ पर मैंने बेबी के हेयर्स को शावर वेट कर लिया है और अब मैं कॉम्ब कर रही हूँ। तो यहाँ पर कॉम्ब करके मैंने बालों की सेंटर पार्टीशन कर ली है, और सबसे पहले मैंने आगे वाले हेयर्स पकड़े हैं और इनको मैंने ज़रा तिरछा रख के काटा है इस तरह से। अब आपने पीछे से हेयर्स ले लेने हैं और आगे के हेयर्स को ही गाइडलाइन बनाते हुए इन हेयर्स को भी उसके साथ ही सीक्वेंस में तिरछा रख के इस तरह से कट कर लेना है। इसी तरह से आपने थोड़े थोड़े हेयर्स पकड़ते जाने हैं, और आगे के जो हेयर्स आपने कट किए हुए हैं एक लेयर उनकी पकड़नी है, और उसको एज अ गाइडलाइन लेते हुए पीछे के हेयर्स को भी इस तरह से उसके इक्वल रख के तिरछा काटते जाना है। यहाँ पर मैंने एक साइड के हेयर्स कट कर लिए हैं, और अब दूसरी साइड पर जाने से पहले मैंने करना ये है कि जो फर्स्ट स्टेप मैंने बालों का काटा था, दूसरी साइड से भी उसका फर्स्ट स्टेप लिया और उनको इक्वल मैंने फेस पे रख के काट दिया है, ताकि जो दोनों साइड के बाल हैं ना वो इक्वल कटिंग में आए। और दूसरी साइड पे भी मैंने सेम वही प्रोसीजर किया है जिस तरह से मैंने फर्स्ट साइड पे कटिंग की थी, मतलब फर्स्ट स्टेप को एज अ गाइडलाइन लेते हुए पीछे की तरफ बाकी के स्टेप्स भी कट करते जाने हैं। व्यूअर्स, बच्चों की कटिंग करना जो है वो बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि बच्चे बहुत नोटी होते हैं और बिल्कुल भी टिक कर एक जगह पे नहीं बैठते हैं। तो आपने बच्चों की कटिंग करते हुए बहुत एहतियात के साथ काम करना है, और सीज़र को ज़रा उनकी नेक से फेस से दूर रख के ज़रा चलाना है। आगे के फर्स्ट स्टेप को गाइडलाइन लेते हुए हमने लेफ़्ट और राइट साइड के हेयर्स कट कर दिए थे, अब जो बैक पे हेयर्स थे उनको हमने स्ट्रेट कट कर दिया इस तरह से। यहाँ पर कटिंग तो हमारी ऑलमोस्ट डन हो चुकी है, लेकिन अब मैं बालों को दोबारा से रीचेक कर रही हूँ। रीचेक करने का तरीका ये है कि आपने एक साइड के सारे जो बाल हैं उनको दूसरी साइड पे ले जाना है, और इस तरह से जो एक्स्ट्रा आपको नज़र आ रहे होंगे उन्हें काट के इक्वल कर देना है। इससे जो आपके दोनों साइड के बाल हैं ना वो इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि बिगनर्स जब अपने तौर पे घर पे हेयर कट करते हैं, जैसे बात माएँ भी हैं वो बच्चों के हेयर कटिंग करने की कोशिश करती हैं घर पे, तो मसला ये आता है कि जो आपकी एक साइड के बाल होते हैं ना वो कम कटे होते हैं और दूसरी साइड के ज़्यादा, मतलब ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो उनको इक्वल करने के लिए आपने इस तरह से रीचेक करना होता है। तो यहाँ पर हमारी कटिंग हो गई है ऑलमोस्ट डन, और अब मैं ब्लो ड्राई कर रही हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बेबी हेयर कट की फ़ाइनल लुक, कितना अच्छा हेयर कट हुआ है, और ऐसा हेयर कट हुआ है कि बच्ची के बाल भी शॉर्ट नहीं हुए हैं, आगे से भी बाल जो कि लेंथ ठीक है, पीछे से भी ठीक है, आप पोनी टेल भी कर सकते हैं। आई होप आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।